ओम शांति। 5 साल पहले अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर सिलेरियो गाड़ी को चलाते हुए मैं अकेले जा रहा था। बार बार इंडिकेटर देने के बावजूद पीछे से एक ट्रक बहुत तेज़ी से आ रहा था, लेकिन वह रुका नहीं और मेरी चालक सीट पर चढ़ गया। देखते ही देखते मेरी गाड़ी ध्वस्त हो गई। ड्राइवर शराब पिए हुए था। मेरी गाड़ी के पहिए मुड़ गए, चेसिस और गियर बॉक्स ध्वस्त हो गए, चाबी के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखते देखते पूरी गाड़ी कबाड़ हो गई। शीशे टूटकर मेरे ऊपर आ गिरे थे, परंतु ऊपर वाले की छत्र छाया ऐसी थी कि मुझे खरोंच भी नहीं लगी। ऐसी भयावह स्थिति में मुझे अनुभव हो रहा था कि भगवान ने मुझे गोद में उठाया हुआ है। भीषण त्रासदी में ना घबराहट थी और ना ही रिंचक मात्र भय। तुरंत थानेदार भी वहां पहुंच गए। शिव बाबा का बैज मेरे सीने पर देख कहने लगे, भगवान ने ही आपको बचाया है। मात्र एक लाइन में मैंने FIR दर्ज कराई कि मेरे साथ दुर्घटना घटी है, परंतु भगवान की कृपा से बाल बाल बच गया। शराब की बदबू से भरे ड्राइवर को भी मैंने माफ कर दिया। वह तो मेरी गाड़ी को कुचल कर 70-80 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले गया था, जिससे वह पूरी तरह चिर गई थी। कंप्यूटराइज्ड गाड़ी के चारों गेट दुर्घटना होते ही बंद हो जाने चाहिए थे, परंतु देवयोग से पीछे का एक गेट खुला रहा, जिस कारण मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। गाड़ी को देखकर किसी को भी ख्याल भी नहीं हो सकता था कि चालक सीट पर बैठा व्यक्ति जीवित भी रह सकता है। सभी कह उठे, जाको राखे शिव भगवान, मार सके ना कोई। उस समय मेरी गाड़ी LPG गैस से चल रही थी। ऐसी स्थिति में घटी दुर्घटना में तुरंत आग लग जानी चाहिए थी, परंतु ऐसे नहीं हुआ और मैं सुरक्षित था। यह त्रासदी मुझे बाबा के और अधिक करीब ले आई, जिससे जीवन की सब नकारात्मकताएं सकारात्मक बन गईं। शरीर के दुख दर्द ही समाप्त नहीं हुए, बल्कि सामाजिक विरोध अवरोध भी मिट गए। अब मैं तन मन धन से बाबा और उनकी सेवा में व्यस्त हो गया हूँ। बाबा की याद में बैठते ही ईश्वरीय खुशबू मन में समा जाती है। अब तो हर पल लगता है कि बाप दादा मेरे साथ चल रहे हैं। सच में ईश्वरीय सहारा पाकर जीवन धन्य धन्य हो गया है। अगर आपके भी बाबा के साथ के कोई ऐसे ही प्यारे अनुभव हैं, तो कृपया हमें जरूर बताएं, क्योंकि बाबा की मदद के अनुभवों को सुनकर नशा चढ़ता है, हम बाबा के और भी करीब पहुंच जाते हैं। अगर आप अपना अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया हमें WhatsApp नंबर पर अपना अनुभव भेजें। आप अपना अनुभव हमें WhatsApp पर मैसेज करें या फिर ऑडियो भेजें या वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपने फ़ोन को इस तरह से रखें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यह WhatsApp नंबर केवल अनुभव शेयर करने के लिए दिया जा रहा है। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें और अपनी कोई भी समस्या से संबंधित प्रश्न ना पूछें। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नंबर केवल अनुभव शेयर करने के लिए दिया जा रहा है। हम फिर आपसे जल्द मिलेंगे और भाई बहनों के चमत्कारी अनुभवों के साथ। तब तक बाबा की याद प्यार में रहें। ओम शांति।